ओ भाई ये देख रहे हो बादल कैसे आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ऊंचाई पे खड़े हैं हम। लग रहा है भाग 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 लौंडे भाग, अरे वो किंड जी जाएंगे जंगल से ही। चल 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 अंकल, हमें नीचे से दिख रहे थे, मैं देख रहा भाई, मैं क्या जूम करके देख अंकल ये है क्या नहीं है। कर चुके हैं नाश्ता पानी, यहाँ पे साले पानी पिया है बस, जंगलों में घुस गया हम। अब देख हमें रास्ता नहीं पता लग रहा, मैं कह भी रहा इससे, मैं कह यार मेरे को गलत लग रहा है, कह रहा ना ना सही रास्ता है, यू टर्न नहीं दिखा रहा है। मैं शामिल था, मैं अकेला नहीं था भाई साहब, घुस जा कैमरे के अंदर। ओ तेरी भाई, डीवी क्लियर लगाने के लिए रुके थे मगर पुलिस वाले तो पीछे से आ रहे हैं। ना चला जा आगे, हाँ तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके, उम्मीद तो खैरियत से होंगे। तो भाई हो चुके फिर से एक नए व्लॉग की शुरुआत, और अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ भाई आईटी पार्क चंडीगढ़। तो ये खड़े भाई अपने भाई लोग साथ में, अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं, बस दो बंदों का वेट है। जब नए दोस्त भाई हमारे साथ ऐड हुए हैं आज, तो वो भी आ रहे हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं। और एक बार ना ये चेक करो भाई, सुबह सुबह ना मौसम भी सेट हो रखा है और ये फुहारा सा चल रहा है भाई आईटी पार्क में, जो कि भाई बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, बस उनका वेट करते हैं, जैसे वो आते हैं तुरंत निकल जाएंगे भाई बिना टाइम वेस्ट करे। हाँ तो भाई निकल चुके भाई अपनी मंजिल के लिए, और जिस भाई का वेट कर रहे थे वो भी आ गया। दो बंदे आने वाले थे पहले, बट भाई एक बंदा नहीं आ पाया किसी वजह से, तो दूसरा आया शिवा, शिवराज नाम है भाई, उनका नाम बड़ा खतरनाक है। अभी पहुँच चुके हैं भाई टैंक चौक क्लोज करके, अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट अपनी वादियों की। और रमन भाई हमेशा ओवरटेक करके निकल जाता है आगे, और शिवा जो है अभी पीछे चल रहा है, और मैं अभी भाई बीच में चल रहा हूँ। मौसम चेक करो भाई, ये मेरे को लगा भाई रमन आ रहा ब्रो, पक्की लगानी पड़ेगी। क्या हो गया? मुझे फोन कर दिया वहां से, आवाज सुनते हैं कि उसकी। हाँ फोन कर दिया, उसने आगे भी नाश्ता लगाओगे, काम करो तुम लोग आगे रहो, नहीं तो ना चला जा आगे। आगे चला जा भाई, रुक जा साइड करने दे। हाँ वो भाई एक साथ साइड खड़े थे जो बच गया, नहीं तो हाँ जो बच्चा तेरे को हेलो कर रहा था ना, सारी हेलो निकल जाती तेरी। वो पक्का खड़े हुए थे। हाँ जाओ बेटे जाओ, खड़े तुम्हारी साइड ही है वो। ओ भाई ये देख, करो भाई सिस्टम से लगाओ, डीवी ग्लर लगाओ। आगे उनको धड़े ना, आगे ना थमले वो देख, आगे भाई लगे हुआ नक्का, वो खड़े भाई वो देखो, वो दिख रहे होंगे वहां से आ रहे हैं, वो वहां से यू टर्न मार लिया भाई उन्होंने। पुलिस वाले आ रहे हैं, चल 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 भाई, डीवी क्लियर लगाने के लिए रुके थे मगर पुलिस वाले तो पीछे से आ रहे हैं, वो अभी निकलते हैं भाई, वो राइडर से भी कहते, वो भी घूम के वापस आ गए, तो चलते हैं भाई निकलो फटाफट यहाँ से। हम शिमला पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। ओए ओ तेरी, ये करेंगे कांड आज। ओ भाई
अभी पिसा के पड़ता इसलिए वो तो कि ऊंचाई पे ध्यान रखा अभी हटाया है, मतलब ऊपर से पत्थर गिर के हटाई है। कहाँ से? अभी अभी रास्ते में तेरे सामने। मैं उससे पहले थोड़ा सा लेट हो, कट हो जाता, कट जाता है, कट जाता। पीछे का मौसम देख रहा, ओए होए। ओ भाई यहाँ रुके हैं भाई, यहाँ से कुछ खाएंगे अगर कुछ मिला ढंग का, चाय वगैरह, चाय पराठा। हाँ तो भाई यहाँ रुके थे भाई हम खाना खोने के लिए, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं भाई। तो मतलब एक डेढ़ घंटा होगा यहाँ बैठे हुए, और जो अपने भाई आईटी पार्क आने में लेट हो गए थे वो पीछे खड़े हैं, वो भी पहुँच चुके हैं भाई। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, बस थोड़ी दूर हो जाएगा, कितना 6 किलोमीटर रह गए ना, 6-7 किलोमीटर रह गए, जिसमें से 5 किलोमीटर का के ट्रैक होएगा। ट्रैक पे हालत ख़राब होने वाली है भाई, ठीक है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, फुल एनर्जी, खाना खुना खा लिया, तो चलते हैं फिर, अभी करते हैं बाइक स्टार्ट। ये बवाल भाई, तुम तो वो दिख रहा है सिंगल लेन है, फिर भी चढ़ाने को तो चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि आगे दूर है। कितना दूर है? बहुत दूर है। कितना? बहुत बहुत। कितना? बहुत ही ज्यादा। ओ भाई पहुंच गए भाई, 24 किलोमीटर इधर उधर करने के बाद जंगली जानवर की वजह से। भाई साहब घुस जा कैमरे के अंदर भाई। क्या कहते हैं, सीधा मालिक से टकर गया। कह रहा मेरा ही जमीन है। ओ भाई अब आ रहा भाई फील कि ट्रैक पे चढ़े। स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था किसी के घर में घुस गए। सही में भाई ये आ रहे अपने भाई बंधु, ये कह रहे कि आगे किसी घर का दरवाजा खुला हुआ। मैं क्या यहीं घुस जाते हैं, उम्र क्या, ट्रैक तो मिल नहीं रहा। अभी भाई आंटी निकल गया एकदम से, करी क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? मैं क्या आंटी के रोटी बजा। ओ भाई अब लग रहा कि हाँ जा रहे हैं, ये होता है ट्रैक, ऐसे लग रहा गलियों से निकल निकल के आए भाई। जब जगह का ना पता हो ना तो किसी जानकार बंदे को साथ में लेके आना चाहिए। अब बंदे हाँ भाई तू हमेशा सही होता, 24 किलोमीटर भी सही था तू। हाँ भाई, ओ भाई मैं कह भी रहा इससे, मैं कह रहा मेरे को गलत लग रहा है, कह रहा ना ना सही रास्ता है, यूटर्न नहीं दिखा रहा है। तुम भी शामिल थे, मैं अकेला नहीं था। हाँ शामिल तो थे हम तेरे साथ चलने में, मैप तू देख रहा था भाई, हमारी गलती नहीं है। 24 किलोमीटर भाई, वो भी देख रहा था, 24 किलोमीटर का चक्कर लगा के आ रहे हैं, 24 किलोमीटर जाना, 24 किलोमीटर आना। अटपटांग लग रहा है। ओ भाई और एक घंटा जो अलग से बर्बाद हुआ ना, कसम से यहाँ आगे, यहाँ यहाँ तो भाई फेफड़े बाहर आने को। तो चलते यार भाई, जंगल तो जंगलों में घुस गया हम। अब देख हमें रास्ता नहीं पता लग रहा, ठीक है कहीं भी आगे बस व्लॉग आ गया। तुमने यहाँ तक देख लिया ना भाई तो लाइक कमेंट करके बता देना कि रास्ता सही कौन सा था, ठीक है। अब भाई दो रास्ते आ रहे हैं, एक इधर से, एक इधर से, तीन बंदे। अब एक काम करते, तीन उधर जाओ, तीन इधर जाते हैं। जिसको सही मिलेगा, जिसको सही रास्ता मिलेगा वो फोन करके बुला लेना। यहाँ इस पेड़ के पास लगा रहे हम भाई निशानी, ये है रोड जो इधर से भी आ रहा है और इधर को जा रहा है, और जा कहाँ रहा है, ताकि वापसी आते हो भाई हमें पता रहे कि हम आए किस साइड से और जाना किस साइड है, ठीक है। तो भाई ये सन्नी लगा रहा पत्ते पुत्ते, थोड़ा सही से लगा दिए ताकि हवा से निकल के ना भाग जाए। तो भाई हमारे दो बंदे रह गए नीचे जो कि लेट हो गए थे आईटी पार्क, वहां से आईटी पार्क आने में थक गए भाई, वो थक बेचारे दिल्ली से है ना। जा रहा था बस, रास्ता मिल गया पर तेंदुआ नहीं मिला। रमन की ख्वाहिश अधूरी रह गई, तेंदुआ नहीं मिला, रास्ता मिल गया। चल रहे भाई ऊपर, दम निकल चुका है, सांसें बाहर आ रही है, आते कह रही कि भाई मैं नहीं जा रही, कह रहे कुछ खाना खुलाओ हमें। आत्मा निकलते निकलते रह गया, आत्मा मुंह में आ चुकी है, मुंह बड़ा होता था निकल के बाहर आ जाती।
तो भाई ये व्यू चेक कर रहे हो, अभी लग रहा है कम से कम 1000 फीट पे खड़े हैं, 1000 फीट खतरनाक हाईवे देख रहे हो कैसा लग रहा है ये, और मौसम उससे भी ज़्यादा खतरनाक, ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं और इधर ये मेरे दोस्त मंडरा रहे हैं। ये है भाई एडवेंचर वाला, ये चढ़ा सबसे ऊपर, हम तो भाई नीचे खड़े हो गए थे, काले बादल, हम तो भाई नीचे खड़े हो गए थे, लग नहीं रहा था कि जा पाएंगे ऊपर, क्योंकि भाई पता ही नहीं लग रहा रास्ता है किधर से, जंगल सा दिख रहा, कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा। तो भाई कुछ बंदे हमें यहाँ से आते हुए दिखे, तब करके हमारी जान में जाना है और हम ऊपर चढ़े, ऑलमोस्ट पहुंच गए भाई हम, ओए मर मर के, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ओ भाई अभी चढ़ चुके हैं यार बहुत ज्यादा ऊपर पहाड़ पर, देख रहे हो भाई यहाँ पे हरियाली सी है काफी ज्यादा ऊपर, 1000 फीट तो मैंने नीचे बताया था, ये उससे भी ज्यादा आया, 1000 फीट से कम 1500 के आसपास है ये। और हमारे शिवा भाई तो शिवा को प्यारे होने वाले हैं, और रामायण पहुंच, राम के पास जाने वाला, और भाई हम भी कहीं ना कहीं पहुंचने वाले। सन्नी को भेजा भाई अभी पानी पूरी लेने के लिए, इधर थोड़ी बस्ती सी है। मरुति 800 वो भी 12 मॉडल, एक ये खड़ी और एक हो रही वो 12 1 4 पक्का भाई, उधर से भी ना रास्ता है, हम तो छुपाया गया वो रास्ता। कोई नहीं भाई चलते नीचे, सन्नी गया हुआ पानी भरने के लिए, अभी हम भी वहीं पे चलते हैं, ऐसे की तैसी फिर गई भाई कसम से, बहुत खतरनाक ट्रैक था, लेकिन भाई क्या बोलते हैं ना कि सफ़र का मज़ा है, मंजिल तो किसी को मिले किसी को ना मिले, ठीक है, तो भाई सफ़र का मज़ा लो, ठीक है, मंजिल पे ध्यान मत दो इतना, बस मंजिल अपनी एक क्लियर रखो कि हमने वहाँ पहुँचना है, पहुँच जाओगे तो ठीक, नहीं तो सफ़र के तो मज़े लिए ही हैं। ये चेक कर रहे हो भाई, ओ भाई ये भाई मेरा फर्स्ट ट्रैक है जो कि इतना ऊंचा चढ़ा हूँ मैं, कसम से इससे पहले जो ट्रैक किया था भाई वो ब्रोक स्टेशन का था, कसोली ट्रैक था जो कि भाई वो क्या बोलते हैं उसको, सुसाइड पॉइंट के मंकी पॉइंट के आसपास के थे वो, तो भाई उसके इसके आधे भी नहीं है, वो आधा भी नहीं है भाई इसका वो, कसम से सुसाइड पॉइंट भी कुछ नहीं है, सनसेट पॉइंट भी कुछ नहीं है इसके सामने जितना हाइट पे। और भाई ये ऊपर आके एक दुकान है अंकल की, यहाँ से अभी हम पानी पूनी ले रहे हैं भाई, नीचे से अगर कोई आ रहा है ना करोल टिब्बा ऊपर भाई पहाड़ी पे, तो नीचे से उदास होकर मत जाना, बीच में तुम्हें लग सकता है ऐसा कि भाई रास्ता है नहीं ऊपर या पानी पूनी मिलेगा नहीं ऊपर, अंकल की दुकान है ऊपर। और अंकल जी, अंकल हमें नीचे से दिख रहे थे, मैं देख रहा भाई, मैं क्या जूम करके देख, अंकल ये है क्या नहीं है भाई, हमने थोड़ा जूम किया, जूम करके देख रहे थे, पता नहीं लग रहा भाई नीचे से कोई, नीचे से पता नहीं लग रहा था अंकल कौन है कौन नहीं है, तो देख रहे थे हम। तो भाई अभी पहुंच चुके यहाँ से, बस थोड़ा ऊपर हो रहे ये पहाड़ दिख रहे हो, यहाँ से थोड़ा और ऊपर है, तो अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर, पानी पूनी पी के रेस्ट करके फिर निकलते हैं। ओके भाई, करा अगली बार से गलत बंदों के साथ नहीं आना। शिवा क्या करा, गलत बंदों के साथ आ गया मैं। पता नहीं कौन कौन से गली से मर रहा था, पहले तो पानी मिल गया सबसे अच्छी बात, गली बॉय बनते बनते पहाड़ी बॉय बन गया। यहाँ से हमने खाया है पंजाबी तड़का, दो पानी की बोतलें पी ली है, एक इसके हाथ में है, तीन। रमन इधर देखियो तेरे हाथ में क्या, अच्छा पंजाबी तड़का इसके हाथ में, तो मत घूम, मैं खा रहा हूं भाई, उसका मन भर गया, वो नहीं खाता। ये खा रहा पंजाबी तड़का, दो पंजाबी तड़के, तीन पानी की बोतलें, ये हमारी आज की डाइट है। तो इसी तरह आप भी डाइट फॉलो करना, आप भी पहाड़ी बन जाओगे, पहाड़ी चढ़ते चढ़ते। भाई अभी यहाँ से निकल रहे हैं, ऊपर चलते हैं, मंदिर है यार ऊपर एक कोई, और गुफा भी एक, तो गुफा को भी एक्सप्लोर करेंगे, तो चलते हैं भाई। अभी यहाँ पर हमने थोड़ा आराम कर लिया, और ये भाई अभी भी अंकल के साथ बहसने में लगे हुए हैं, अंकल हम तो यहीं से जाएंगे, आ जाओ। एक तो चल पड़ा अंकल से बहस करने के बाद आ गया है भाई, एक नवा इंजीनियर है यार, इसका क्या, जाएंगे जंगल से ही, बोलो तो भी कुछ बोल। तो कर चुके हैं नाश्ता पानी यहाँ पे, साले पानी पिया है बस, पानी और पंजाबी तड़का खाया, कह रहा नाश्ता पानी हो गया, कर पीछे कर। निकल चुके हैं वापस, ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं कंटिन्यू, ठीक है, वहाँ पे पानी पुनी पी के रेस्ट करके। और अंकल ने बताया, अंकल ने बताया कि भाई अभी यहाँ से 4 किलोमीटर और ऊपर जाना है, तो जाके वापस आते हैं टाइम से, चलते हैं गाइस, लेट्स गो। लौंडे भाग रहे, भाग भाग भाग, 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 भाग।
भाग लोंडे भाग, अरे वो खेंड चाहिए भाई। भाई लोग पंजाबी तड़का खा के इनका अंग अंग भड़क गया। हाँ यार नीचे चेक कर रहे हो भाई, पूरा सोलन शहर दिख रहा है। और ये चेक करो भाई क्या खतरनाक है। ओ भाई ये है ट्रैक, ये चढ़े हुए हमारे भाई बंधु ऊपर और ये रहे हम चढ़ते ऊपर। चल चल चल। ओ भाई पंजाबी तड़का खा के फुल फुल क्या सा लग रहा है, फुल एनर्जेटिक, दो पंजाबी तड़के तीन पानी की बोतल। ओ भाई ये देख रहे हो बादल कैसे आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ऊंचाई पे खड़े हैं हम। ये चेक करो भाई इधर पूरा सन्नाटा, भाई लोग खड़े हो ऊपर और इधर देख रहे हो भाई। तो गाइज ये चेक करो, यह है मंदिर का रास्ता और इधर है अपना ये पांडव गुफा वे कुटिया जाने का रास्ता। तो भाई पहले हम जाने वाले हैं गुफा वाली साइड, क्योंकि गुफा जल्दी बंद हो जाती है और मंदिर तो खुले रहता है। ठीक है तो चलते हैं। हाँ तो भाई पहुंच चुके हैं फाइनली, ये चेक कर रहे हो यहाँ सामने, ये है भाई यहाँ मंदिर। ठीक है तो भाई जान हथेली पर रख के पहुँच चुके हैं, बस अपना एक भाई पीछे रह गया वहाँ पर है, बस वो आ जाए तो फिर चलते हैं रमन सन्नी और ये सब दर्शन दूषण करेंगे। ठीक है उसके बाद भाई यहाँ थोड़ा वेट करके थोड़ा आराम करके उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इससे पहले अंधेरा हो उससे पहले हम चलते हैं। ठीक है ये व्यू चेक कर रहे हो भाई, पहाड़ के सबसे टॉप फ्लोर पे अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, सोलन करोल करोल का टिब्बा ट्रैक भाई आज हमने कंप्लीट किया। भाई बीच बीच में हमारा प्लान हो रहा था कि भाई कैंसिल कर दे ना जाए ऊपर, ठीक है, लेकिन भाई एक दिल में होती है ना कि यार आधे में से छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि एक ट्रैक है भाई जो मैंने पहले अधूरा छोड़ा हुआ है, वो है भाई अपना कि वो सोलन में जो ब्रोक स्टेशन है उसका ट्रैक मैंने अधूरा छोड़ा था। घर पे आके भाई मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगा था, जो कि मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा। ठीक है तो इसीलिए भाई मैंने सोचा कि ये वाला ट्रैक तो भाई कम से कम पूरा करें। ठीक यहाँ पर बता नहीं सकता भाई अभी हम कितनी हाइट पे हैं, क्योंकि ना यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है ना ही ना कुछ है। ठीक है आराम करते हैं, ठीक है उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ओके क्योंकि रात भी होने वाली है, 6 अभी हमें यहाँ बज चुके हैं, ठीक है, और कम से कम 1.5 घंटा उतरने में यहाँ से लगने वाला है। ठीक है तो चलते हैं भाई, अभी आराम करेंगे फिर निकल रहे हैं यहाँ से। ओके लो भाई लोगों ने दर्शन दूर्शन कर लिए, ठीक है दिल को मिला सुकून, चलते हैं भाई अब अपनी बाइक के पास, जाने में टाइम लगने वाला। अच्छा हुआ भाई हमने हेलमेट जो है नीचे रख दिए थे अंकल के पास, जो नीचे दुकान वाले अंकल है, नहीं तो भाई कहानी खराब हो, चढ़ने में हालत बुरी होगी। ठीक है तो अभी चलते हैं नीचे, गुफा और मंदिर का रास्ता मिल रहा था, बट ये है ये गुफा का रास्ता है और ये मंदिर का रास्ता है, बट भाई हम गुफा में गए नहीं क्योंकि वहां से बंदरों की आवाज आ रही थी कुछ खतरनाक। ये लोग मैं भाई इधर से ब्लॉग शूट करते हुए जा रहा हूँ, इधर से ब्लॉग शूट करते हुए जा रहा था और इधर से भागते हुए आ रहे थे उधर से सांड की तरह, मैं क्या भाई पता नहीं क्या हो गया क्यों भागते हुए आ रहे हो तुम लोग भाई, उधर से कह रहे हैं फिर आगे बंदर बंदर थे इसके वजह से वापस आ गए ये लोग, फिर हम मंदिर की तरफ निकल गए। तो भाई अंकल की दुकान पे आए थे, अभी यहाँ से हम निकलते हैं। ओके अंकल जी मिलते हैं फिर आएंगे अगली बारी, तो चलते हैं भाई। तो भाई वहाँ से तो हम आधे घंटे में उतर गए थे और आधा घंटा लग गया हमें यहाँ, ठीक है तो अब 7 बज चुके हैं, तो निकलते हैं फिर अभी फटाफट अंधेरा होने से पहले अपनी ये ट्रैकिंग वाला सिस्टम खत्म करके बाइक उठा के फरार। तो भाई अभी लगभग अंधेरा सा हो चुका है, ये चेक करो भाई, ठीक है हमारे फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी सही है तो अंधेरा दिख नहीं रहा फ़ोन में इतना, अभी भाई अंधेरा सा हो चुका है और जो फ़ोन है भाई फ्लैश लाइट ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो अभी बाइक तक भी नहीं पहुँचे हम, 7:30 बज गए भाई, वो दोनों तो आगे निकल गए। ठीक है
और रमन और मैं भी पीछे चल रहे हैं, तो बस पहुंचते हैं भाई बाइक के पास। हाँ तो फाइनली गाइस यार पहुंच चुके हम अपनी बाइक के पास, बड़ी मशक्कत के बाद पहुंचे हैं, पहाड़ों से चढ़ चढ़ के उतर उतर के चढ़ चढ़ के ऐसी की तैसी फिर की। तो भाई अभी हो चुकी है रात पूरी, टाइम हो गया भाई पौने आठ हो गए, 6 बजे उतरना शुरू करते, अप्रोक्स हमें 1.5 घंटा लगा उतरने में। और अपना घर चंडीगढ़ भाई यहाँ से है 70 किलोमीटर, ठीक है, और अभी इतना टाइम हो चुका है तो जाना भाई हमने घर, और रात हो चुकी है काफ़ी, तो ड्राइव करेंगे स्लो, अप्रोक्स 9 बजे हम पहुँच जाएंगे। तो भाई आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।